हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई ब्यूटीफुल स्लिप्स, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम कपड़ा ले लेते हैं, जिसको चार फोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद हम उसे ठीक से रख देते हैं। फिर हमने अपनी आस्तीन की लंबाई ले ली है 17 इंच। 17 इंच ही हम इधर कर देंगे 17, और इसे बराबर निशान लगाकर हम काट लेंगे। और 3 इंच हम आर्म होल की ऊपर की साइड पे निशान लगा देंगे, 3 इंच ही नीचे लगा देंगे, और फिर सीधी लाइन खींच देंगे। आर्म होल हम 8 इंच लेंगे अपनी चेस्ट का चौथा हिस्सा। मेरी चेस्ट 32 इंच है, 32। आर्म होल ऊपर की तरफ से 3 इंच का एक निशान लगाएंगे। अब हम एक्स्ट्रा कपड़ा काट लेंगे। अब हमने जहाँ ऊपर 3 इंच का निशान लगाया था, वहाँ पर हम अपने आर्म होल की काट दे देंगे, काट का निशान लगा देंगे जहाँ से हम ढाल डालेंगे। मोहरी हम 7.5 इंच लेंगे, क्योंकि हमने आगे चुनते भी डालनी है, और 1-1 इंच इधर मार्जिन में चला जाएगा एक्स्ट्रा कपड़ा। अब हम इसको कट कर देंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, हमने 1 इंच मार्जिन का बीच में रख लिया है। अब हम आर्म होल की काट दे देंगे। अब हम फ्रंट मोड़े की तरफ 1.5 इंच ऊपर से छोड़कर फिर हम काट का निशान लगाएंगे। अब हमें ऊपर के 2 पलड़े पकड़कर कैंची से काट देना है। इस तरह से हमें ढाल दे देनी है अगले मोड़े में। बाजू हमारी कटकर तैयार हो गई है। अब हम 1/2 इंच आगे निशान लगा देंगे जहाँ से हमें स्टिच करना है। यहाँ पे हमारी चुनटे आ जाएंगी। ये हमने कफ के लिए कपड़ा ले लिया है, जो लगभग 2.5 इंच है। अभी ये हमारा एक्स्ट्रा है कफ, इसे हम काट लेंगे। इसके बीच में हम लेस लगाकर सुंदर बाजू तैयार करेंगे। आइए चले अब हम बाजू स्टिच करते हैं। ये हमने लेस ले ली है कॉटन की, ये हमारा कफ का कपड़ा और ये हमारा बाजू का। इस तरह से हम अपना बाजू डिजाइन तैयार करेंगे। अब हम कफ की पट्टी में जो डबल सेट टैब में रखी हुई है 2 इंच का निशान लगाएंगे, और वहाँ पे कैंची से कट कर देंगे। ये सेंटर में भी निशान लगा देंगे। ये कफ की पट्टी में हमें 4 इंच हमने ले लिया है, जहाँ पे हमारी चुनटे डलेंगी। अब हम अपनी बाजू की मोहरी में एक कच्ची सिलाई लगा देंगे, बड़ी वाली। इसे अब हम धागा खींचकर अपनी सेंटर में 4 इंच चुनटे डाल लेंगे। इस तरह चुनटे डालना बहुत ही आसान है और जल्दी डल जाती है। अब हम अपने कफ की पट्टी को साथ में रखकर स्टिच कर लेंगे। जिन्होंने अभी अभी सिलाई करना सीखा है, वे भी इस बाजू को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये बाजू बनाना बहुत ही इजी है,
आप एकदम से बना सकते हैं। अब हमें यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। अब हमें बीच में सेंटर में 4 इंच तक अपनी चुनटे रखनी है। ये बाजू बहुत ही ज़्यादा इजी है और देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। इस बाजू में हम कॉटन लेस को लगाएंगे जिससे बाजू और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। ये बाजू आप भी अपने किसी भी सूट पर बना कर देखना। अब हम इस पर सिलाई अपनी लगा लेंगे। अब हम एक एक्स्ट्रा सिलाई लगा देंगे जौन सा मार्जिन का कपड़ा है उस पर, जिससे हमारी सिलाई अच्छे से बैठ जाए और कफ की पट्टी आसानी से फोल्ड हो जाए। अब हम इसमें लेस को अटैच करेंगे और साथ में कफ को फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमें फोल्ड करके अपनी लेस को अटैच कर देना है। ये बहुत ही इजी है बनाने में। आप लेस को अपनी मोहरी में, अपने पोंचों में और अपने गले में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। इससे सूट बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। आपका सिंपल सूट भी लेस से डिज़ाइनर सूट जैसा ही लगता है। ये अब हमने अपनी लेस लगा दी है। ये देखिए कितनी सुंदर बाजू तैयार हुई है। अब हम इसमें अपने अब हम इसमें अपनी मोहरी का निशान लगा देंगे 4.5 इंच। और अब हम इस पर सिलाई लगा देंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट देंगे। ये देखिए बाजू बनके हमारी तैयार हो गई है, जो देखने में बहुत ही सुंदर है और बहुत ही आसान है। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये बाजू आप अपने सलवार सूट, फ्रॉक सूट पर बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।